नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गोरमिंग। मुख्यमंत्री सिकोकोमा योजना के अंतर्गत डेली के डेली न्यू अपडेट आते रहते हैं और बाकी जॉब से रिलेटेड, सरकारी भर्ती से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड अपडेट भी आते रहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री सिकोकोमा योजना के अंतर्गत जो आपका स्टेटस अभी तक पेंडिंग बता रहा है वो पेंडिंग से कब तक हटेगा, हटेगा भी या नहीं, तो उसी के बारे में आज अपडेट आपको देने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये पता चल सके कि स्टेटस पेंडिंग कब हटेगा। हम आ चुके हैं मुख्यमंत्री सिकोकोमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप अपना स्टेटस कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं आवेदन की स्थिति। देखिए, अगर आपका आवेदन एक्सेप्ट हो चुका है तो आमंत्रण की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमको आवेदन की स्थिति देखना है तो यहाँ पर हम सीधे से आवेदन की स्थिति पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टोटल 26 सेक्टरों में अप्लाई किया था जो कि अभी तक यहाँ पर हमारा स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम जैसे व्यू करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा अभी तक आवेदन पेंडिंग दिखा रहा है। हमने जहाँ पर अप्लाई किया था वहाँ पर केवल 248 ही पोस्ट थी। दोस्तों, जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मुख्यमंत्री सिकोकोमा योजना का शुभारंभ किया, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि अभी तक उन्होंने 8,71,330 युवा पंजीकृत हो चुके हैं जिसमें से 15,092 अनुबंध स्थापित किए। ठीक है, 8.5 लाख प्लस आवेदनों में से केवल 15,092 युवाओं को ही प्रशिक्षण अभी दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बोला है कि आवेदन भले 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो या 10 लाख हो, सभी को अनुबंध या अनुबंध किया जाएगा और सभी को प्रशिक्षण यहां पर दिया जाएगा। और अभी भी आवेदन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया चालू है, आप अभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने यही बोला है कि जिनका अभी तक अनुबंध नहीं आया है उनका जरूर अनुबंध होगा। आवेदन चाहे 10 लाख हो या 5 लाख हो या 15 लाख हो, सभी को प्रशिक्षण देने का कार्य लगातार जारी रहेगा और जल्द ही वो प्रशिक्षण के लिए, उन्होंने बोला कि जल्द ही हम प्रशिक्षण के लिए जो कुल प्रकाशित पद है उन्हें भी बढ़ाया जाएंगे और जो सेक्टर है उन्हें भी हम बढ़ाएंगे। ठीक है, लगातार अभी देखिए कल तक 8,71,000 थे और 8,75,000 हो चुके हैं डेली के यहाँ पर युवा जो पंजीकृत हो रहे हैं और यहाँ पर 69,000 पोस्ट हैं। तो इन्हें भी जल्दी जल्दी प्रकाशित किया जाएगा, इन्हें भी और बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर वीडियो बनाने का मतलब इतना ही था कि आपको अगर स्टेटस पेंडिंग बता रहा है तो उसे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका अनुबंध होगा आपको यहाँ पर ईमेल के माध्यम से मैसेज आ जाएगा या इनबॉक्स में भी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सिकोकोमा योजना के अंतर्गत क्या क्या घोषणाएं की हैं तो ये वीडियो यहाँ पर आपको हमने जस्ट अपलोड किया है, 34 सेकेंड पहले ये वीडियो अपलोड हुआ है, तो उसे जाकर आप ज़रूर देख लीजिए। आपको पूरी जानकारी आपको लग जाएगी कि क्या कुछ पेंडिंग क्यों बता रहा है हमारा सिकोकोमा योजना में स्टेटस, क्योंकि इसमें दोस्तों जो कुल प्रकाशित पद हैं वो कम हैं और जो आवेदन हो चुके वो अधिक आवेदन हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम जल्द ही इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया है वो लगातार जारी रखेंगे और जल्द ही हम कुल प्रकाशित पदों में बढ़ोतरी करेंगे जिससे सभी युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आपको कुछ दिनों के लिए वेट करना है। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही नए अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल दीपेश गोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।